नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हमारी जनता दरबार फिर शुरू हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम हेल्थ केयर फाउंडेशन जो है हर महीने की 15 तारीख और 30 तारीख के दिन जो है जनता दरबार रखती है, और जो भी महिला या पुरुष, जो भी लोग पूरे हिंदुस्तान के कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी तकलीफ यहाँ पर आके बयान करते हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति जाके यहाँ पर आने वाले व्यक्ति के खिलाफ जाके कंप्लेन करता है कि यहाँ पर जाकर इन्होंने हमारे बारे में बताया और हमारे खिलाफ जाके बयान दिया और हमें एक्सपोज किया और हमारे बारे में बताकर हमारा क्या बदनामी किया और ऐसी सारी चीज़ें अगर बोलता है, तो मैं उसके लिए एक चीज़ बता दूँ। हमारा हेल्प केयर फाउंडेशन जो है वो पूरी तरह रजिस्टर और लीगलाइज एनजीओ है, और हमारे पास पूरे राइट्स हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें और उन मजलूमों को आगे आने दें, उन मजलूमों को अपनी आप बीती बताने दें कि जहां पर भी वो जाते हैं उनकी कोई नहीं सुनता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, उनकी तकलीफ़ के बारे में कोई काम नहीं करता है। तो ये जनता दरबार हम उनके लिए रखते हैं कि वो लोग आगे आए और पूरे हिंदुस्तान के कोने से आए, जहाँ से वो आना चाहते हैं, और वो यहाँ पर आके अपनी तकलीफ सुनाए। और अगर कोई माइका लाल बोलता है कि इधर आके बोला और इधर आके हमारी बदनामी की और हम जाके तुम्हारे ऊपर केस ठोकेंगे, तो जाओ ठोको, तुम केस ठोको, जवाब में मैं तुमको ठोकूँ, जवाब में मैं भी तुम्हारे ऊपर केस, के तुम एक केस करोगे। देखो, एक गाना निकला था, मैंने सुना था, तुम्हें तो पता है मुझे बोलने की आदत है। मैं तो कोई नेता तो हूँ नहीं, ना कोई अभिनेता हूँ, लेकिन बोलती बहुत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो कलम है ना वो बहुत बोलती है। तो एक गाना मैंने सुना था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो मैं शबनम शेख, मैं एक बात तुम लोगों को बता दूँ कि मेरे पास जो आवाम आती है, जो जनता आती है, ये अपनी तकलीफ लेकर आती है, इनसे मेरा फ़ायदा कुछ भी नहीं है, इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो कंप्लेनर का ओपोनेंट रहता है, वो अगर होशियारी मारे कि आपने जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने में मेरा एक्सपोजर किया, आप लोगों ने हमारी फैमिली को डिफेम किया और हमारा नाम लेके वो ये किया वो किया, फलाना ढिमका, मैं केस करूँगा, मैं उखाड़ लूँगा, मैं पॉलिटिशियन से मिला हुआ हूँ, हमारे ये बड़े हाथ है, हमारे ये बड़े वो वाले हाथ है, क्या क्या बोलते हैं आप, कुछ बोलते हैं ना, ऐसी बोलते हैं ना, है। बेगम क्या पहुँचे बताते, बहुत ये पॉलिटिशियन से पहचान है, ये IPS से पहचान है, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह। तो मैं एक चीज़ बता दूँ उन ओपोनेंट्स के लिए, बेटा इसमें तेरा घाटा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाता, समझे। ये मैंने एक लौंडे को समझाया था, वो नहीं समझा। वीडियो दिखाओ उसका, डबल फाइव जीरो, तुझा। हाँ ठीक है, हम दिखाएंगे थोड़ी देर में वीडियो। एक लड़के को मैंने बोला था, उसने बात को नहीं समझा। खैर छोड़ो, मैं एक सब्जेक्ट पे आती हूँ। पहले तो ये चीज़ है इमरान, नंतर एक सब्जेक्ट है कि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, करप्शन। क्या है प्रॉब्लम? करप्शन। हम मात किस चीज़ पे खाते हैं? करप्शन पे खाते हैं। अगर करप्शन नहीं होगा ना, तो शायद हमारा देश प्रॉपर चलेगा। अगर महात्मा गांधी का ये देश है, जितना उनका था उतना हमारा भी है, जितना एक हिंदू का है उतना एक मुसलमान का भी है, चाहे कोई, क्या नाम है उसका, सुरेश दलाल, एक वो सुरेश दलाल करके उठा था, एक राखी सावंत 2 करके उठी थी, फिर कोई लंबे बाल वाला उठा था, पता नहीं, मैंने उन लोगों को कुछ कोसा भी था, बहुत कुछ कोसा था मैंने। उसके बाद में उनका कोई वीडियो आया नहीं, मैंने सुन आया हाँ, क्या है, योगी के हैं। अच्छा, योगी के लिए काम करते हैं, किसी धोबी के लिए काम करो, योगी के लिए काम कर दो, किसी धोबी के लिए काम करो, योगी किसी धोबी से कम थोड़ी है। योगी जो है
यूपी में जो बैठा है किसी धोबी से कम नहीं है, यूपी की मैं भी हूँ, बांदा जिला की हूँ मैं भी, सुन ले। दोनों कान है ना ऐसे, बाल पीछे करना, लंबे बाल वाले को बोल रही हूँ, ऐसे पीछे करना, लौंडियाओं के जैसे बाल रखता है, कान ऐसे ना बाल पीछे करना, और सुन ले मैं भी यूपी बांदा जिला की हूँ, जिला बांदा जिला हरदौली गांव, आ जाना जब भी तेरा दिल करे, समझा। योगी का है तू तो, तुझे योगी क्या सिखा रहा है बे। तू मुझे बोल रहा था कि जब हम तुम्हारे क्या उखाड़ने आएंगे तो तू हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो तू योगी के साथ में आना, तेरे को राशन भर के दूंगी मैं पूरे महीने का, समझा, और साथ में एक रूम भी कर दूंगी। तू योगी के साथ में रहना, साथ में गाय माता को पाल लेना, तो गाय माता का दूध धोना और पालना, साथ में रोड पे नहीं छोड़ना एक्सीडेंट होने के लिए, समझा। ठोको ताली के गाय माता को रोड पे छोड़ना नहीं एक्सीडेंट होने के लिए, योगी को बोलना कि पालना दूध धोना उसका। करप्शन दूर करने चले तो पहले काम करना, करप्शन दूर होता नहीं, न्याय मिलता नहीं तो पब्लिक चलती है। अभी मेरे को एक बात बताओ, आज एक केस हुआ हमारी बिल्डिंग में, बोलते हैं ट्रेस पास हुआ, एक जेन्युइन केस है, ट्रेस पास हुआ, एक टेनेंट यानी कि किराएदार बेचारा, वो घर के अंदर एक बच्चे को लेके माँ रहती थी, 24-25 साल की लड़की और उसका 4-5 साल का छोटा सा बच्चा। उसका हस्बैंड काम करता है सूरत में, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो घर की ओनर है दुबई से आई, उसका कैरेक्टर किसी वैम से कम नहीं है, वैम समझते हैं ना, जो पिक्चर में विलन होती है लेडीज विलन, उसको वैम बोलते हैं, लेडीज विलन को, पता नहीं लोग मुझे भी समझते होंगे, मैं बोल नहीं सकती इस पर क्योंकि मैं भी बहुत चिल्लाती हूँ ना, चिल्लाने वालों को लोग कुछ भी बोलते हैं। तो वो लेडी आई और वो आई आके 4-5 गुंडे औरतों को लेके, पतली दुबली सी बेचारी वो लड़की। अभी बैंड्रा में हम रहते हैं, बैंड्रा खार वाले लोग पता है कितने डिसेंट होते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं, उस बेचारी लड़की का ऐसे हाथ पकड़ के 2-4 थप्पड़ मारे और निकाल दिया बाहर। अब खार पुलिस स्टेशन में केस गया, अब खार पुलिस स्टेशन की मेरे सारे पहचान के दोस्त यार हैं सब ऑफिसर्स, तो एक लेडी ऑफिसर बोलती, मैडम आपने इसको बोला नहीं कंप्लेन देने के लिए। अब मैं जवाब देती हूँ, मैं हंसी तभी और मैंने कुछ नहीं बोला। वो आई मेरे पास कंप्लेन दी, आज हमने उसके ऊपर, जिस जो लोग घर के अंदर घुसे हैं उनके ऊपर ट्रेस पास का केस बना। अब घर में मेडिसिन से लेके, दवा से लेके, पैसे से लेके, ज्वेलरी से लेके, सारी चीज़ें अंदर है। वो 5 साल का बच्चा, उसका एग्ज़ाम है 15 दिन के बाद, उसकी बुक्स तक अंदर है, आप समझे बात को। पुलिस स्टेशन में अगर एक लड़की जाके ये बोलेगी कि मेरे घर की ओनर दुबई से मुझे मैसेज करती है, कॉल करती है और हरेसमेंट करती है, तो क्या पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट लेगा? मैं पत्रकारों को पूछ रही हूँ, कोई कंप्लेंट लेगा? नहीं लेगा ना, तो कहाँ जाएगी कंप्लेनर? एनजीओ में ही आएंगे ना। तो एनजीओ में आई, उसने आके कंप्लेंट दिया, आज ट्रेस पास का केस बना मॉर्निंग में। कल रात से पुलिस दरवाज़ा ठोक रही है, वो 5 औरतें दरवाज़ा नहीं खोल रही है। आज जाके उन्होंने दोपहर में कहा, शबनम शेख को बोलो दरवाजे के बाहर से चली जाएं, बिल्डिंग से बाहर चली जाएं, तब हम दरवाज़ा खोलेंगे। मैं क्या मतलब ये बात को क्या समझूं? आप लोग बोलो, मैं इस बात पे खुश हूँ या मतलब मेरा एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए कि वो दहशत थी? तो ये लंबे बाल वाले सुन ले, योगी का तू जोगी, ये दहशत है ना, दहशत संभाल के रख, तेरे लिए भी काम आएगी, समझा। तो अब जाके उसके ऊपर 380 लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसका पैसा, उसकी ज्वेलरी, उसका सामान, उसका मेडिसिन, उसका घर का संसार सब कुछ अंदर है। पुलिस कब काम करती है? जब कोई क्राइम होता है, डोमेस्टिक वायलेंस कब होता है? मर्द घर में औरत को कुत्ते की तरह कूट रहा है, कूट रहा है, कूट रहा है, रोज मारता है। औरत जाती कंप्लेंट देने, लिखते हैं पुलिस वाले 323 की NC, 504, 506, घर का मैटर है, जाओ संभालो घर, समझ के लो, ये करो वो करो, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मियाँ बीबी की काउंसलिंग होती है,
ये होती है। एक महिला आयुक्त बनाया है, वो बनाया है महिला काउंसिलिंग के लिए बनाया है। इससे ज़्यादा कुछ होता है नहीं होता है। औरत मार खाते रहती है। बेटा कहाँ गई? हाँ बेटा इधर। हाँ तू आ। फरीन समीर खान। जोर से बोल तेरा नाम। फरीन समीर खान मेरा नाम है। ये बच्ची मेरे पास कितने दिन पहले आई थी? तीन दिन पहले लड़की आई थी। इसकी हालत ऐसी थी, इसके कपड़े फटे थे, इसकी हालत इतनी बुरी थी। मैंने ऑफिस में एंट्री की तो सबसे पहले मैंने इस लड़की को देखा, तो ये लड़की ने बोला कि नहीं नहीं ऑफिस में नहीं, ये मेरे घर आई थी और मैं नींद से सो रही थी। तो इसने घर पे नॉक किया और दरवाज़ा खुला तो ये लड़की अपनी माँ के साथ आई हुई थी। बोले मेरे बच्चे को मेरे पति ने छीन लिया है। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम बोलो। मेरा आदमी रात भर मुझे मारा और उसके बाद में इसको दूध नहीं पिलाने दिया। फिर बाद में ये रो रही थी तो इसको मटके का पानी पिला रहा था, और फिर भी ये रो रही ना तो इसको मारे जा रहा था और बोल रहा था कि दूध के बिना तो नहीं रह सकती। सुबह होते ही इसको छीन के लेके मुझे मार के भगा दिया मेरी मम्मी के साथ में। इनके ऑफिस को मैं 2 दिन से ढूंढ रही थी पर मुझे मिल ही नहीं रही थी। फिर 2 इंसान मुझे मिले, 2 लड़के लोग। फिर मुझे जुबैर भाई का नंबर दिए तो उनसे मैंने बात करी तो वो मुझे ऑफिस का बताए। तो ऑफिस जब आई तो मैं बंद थी। फिर वो मुझे घर का एड्रेस दिए, उनके घर पे मैं गई तो घर का दरवाज़ा जब मैंने ठोका तो इनकी लड़की ने दरवाज़ा खोला और बोले आपा मीरा रोड में रहते हैं। मैंने बोली कि मेरा बच्चा 2 महीने का है और मेरे आदमी ने छीन के ले लिया है, वो वहाँ रो रही है मैं यहाँ रो रही हूँ, उनको बोलो कि मेरे प्लीज़ मिलने के लिए फ़ोन पर बोलो, मैं बोली। फिर उन्होंने इनको बोला नींद में से उठा के कि 2 दिन का बच्चा है, आदमी ने उनके छीन लिया है। तो ये फटक से मुझे अंदर बुलाए और फिर बाद में मेरे से बात की। फिर उसके बाद में ना जाके लेकर आई है बच्चे को। मेरे आदमी से जब बात की है तो आड़े तड़े उसने बहुत सारी बातें किया कि मतलब जो आपको करना है करो, जो मुझे करना है मैं करूँगा, उसको मैं नहीं रखना चाहता, बच्चा मैं दूंगा नहीं। मैं मेरी टीम गई थी ना तुम्हारे साथ, तो यहाँ से लड़के गए थे, इमरान भाई, जुबैर भाई, जफ़र भाई, आदिल भाई, सब लोग मेरे साथ में आए थे। फिर उसके बाद में गए हम जब वहाँ पे तो आदमी का मेरा दरवाज़ा बहुत ठोकने लगे। एक पुलिस भी आया था नाला सुपारा से, बहुत टाइम दरवाज़ा खोलने पे। फिर बाद में उसने दरवाज़ा पूरी स्टोरी सुनो उसकी। दरवाज़ा खोला तो हम ढूंढने लगे घर में जाके, तो बच्चा मेरा दिख नहीं रहा था। तो उससे सवाल किया पुलिस ने कि बच्चा किधर है, तो बोला कि जोगेश्वरी में। तो 2 दिन के बाद में मैं बुला लूँगा। तो फिर हम बाहर निकले तो 3 लड़के खड़े थे जो मेरे आदमी के दोस्त थे। तो भाभी तुम इधर क्या कर रहे हो? तो मेरे को रोते देखे तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं बोली मेरे बच्चे को 4 दिन से मुझसे अलग करके रखा है, मेरे बच्चे की खाली रोने की आवाज़ सुना रहा, मैं उधर रो रही हूँ और ये इधर। तुम चलो मैं बताता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर मुझे उसने लेके गया और उसकी गर्लफ्रेंड लेके बैठी थी मेरे बच्चे को और वो रो रही थी। मैं जब उससे मांगने के लिए गई तो मुझे बोलने लगी कि ये मेरा बच्चा। मैं बोल रही मुझे तो जरा एक्सप्रेशन बता दो, ऐसा बता रही है एक्सप्रेशन तो बता, वो गर्लफ्रेंड का कैसे पकड़ा था? तो उसके बाद में फिर हम लोग उससे ले के बच्चे को ले रहे तो फिर वो इमरान भाई से कहने लगे, इमरान भाई बोले तू दे उसका बच्चा। तो वो बोलने लगी मैं मालिश करके उसको देती हूँ तेल की, मैंने मालिश भी नहीं करी उसकी। तो वो बोले कि उसका बच्चा वो सब कर लेंगी तू दे दे। फिर उसके बाद में मेरा बच्चा उसने दे दी। तो फिर हम लोग चौकी गए, वहाँ पे जाने के बाद में फिर चौकी में बात की, फिर यहाँ पे आ गए रो मत लेके बच्चे को। फिर आपा के पास जब आए, जब इसको खोला मैंने तो इसके पीठ पे कुछ निशान भी थे, ब्लू आज भी है इसके निशान, नीला हो गई ये पीठ, इसको किसी ने मारा है, पूरा हरा नीला हो गई ये पीठ पे निशान है इसके कुछ, ये देखो पीठ के ऊपर। इतने छोटे बच्चे को, और मेरी बच्ची इतनी हेल्दी थी, आज इसका चेहरा 2 दिन में चेंज हो गया है, 2 महीने के बच्चे को मारा हुआ किया था, एकदम वो हो गई थी ये बच्ची, पूरा बदन पे इसके निशान है, हरी हरी ब्लू ब्लू ऐसा बॉडी पे निशान है। और जब मैं आपा के पास आई तो मतलब इसके ना हगीज तक उन्होंने चेंज नहीं किए थे। इसका बच्ची को यूरिनल इन्फेक्शन इतनी बुरी तरह से हो गया था कि बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा था। अभी ये बच्चा ऐसा हो गया है कि ये हेल्प केयर का बच्चा बन गया है। पिछले 2 दिन नहीं, 3रा दिन है आज का, ये लोग मेरे पास ही है, मेरे घर पर ही है। और इसका पति, इसको हमने कल भी बोला था आने के लिए, करेक्ट? कल भी बोला था, आज भी बोला था। ये 2 महीने की बच्ची है,
इसके पति ने जिस पोजीशन पे ये माँ और ये बच्ची आए थे, इस बच्ची को हमने रेस्क्यू किया 2 दिन पहले, और 2 दिन के बाद आज ये बच्ची इस हालत में है कि आप लोग इसको देख पा रहे हो। जब ये बच्ची आई थी पूरा खींच गया था, बहुत उसकी खराब कंडीशन हो गई थी, बहुत ज्यादा दुबली हो गई थी, वो आग वाग भी एकदम सूज गई थी, नूर आया, और वो कान भी इसके दोनों भी फूट गए, पीप आ रहा है इसके कान से लड़की के। We have done her treatment. तो दीदी ने दवा वगैरह भी उसकी की और कपड़े भी लेकर आई, मुझे भी उनके मतलब कपड़े वगैरह भी दिए उनके घर में, उन्हें खाना पीना रहना सब कुछ, मतलब एक फैमिली से भी ज़्यादा है मतलब मेरे लिए तो वह। चलो एक 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 केस आपने ये सुना कि वो 20 लोगों को लेकर आएगा इधर पर, मेरे पास आएगा वो 20 लोगों को लेकर मेरा कुछ उखाड़ने के लिए। अच्छा हमने बच्ची का नाम बदल दिया, इसका नाम सबा परवीन है लेकिन आज से ये शबनम शेख है। हमने नाम भी नाम चेंज नाम चेंज हो गया बच्चे बना नहीं है अभी, क्योंकि बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बना है तो इसलिए बच्ची का नाम इससे पहले क्या था, इसका नाम सबा परवीन रखी थी मैंने। तो अभी आपने इसका नाम क्या रखा है? शबनम शेख रखा है। शबनम शेख सर्टिफिकेट का बना नहीं है, सर्टिफिकेट में यही नाम होगा और मैं भी बुलाऊंगी यही नाम इंशाल्लाह। और अभी वो ऐसा हो गया, अच्छा आई मस्ट टेल यू एवरीवन, हां ये इसकी गोद में रोएगी लेकिन ये मेरे पास आएगी ना तो चुप हो जाएगी। मैं कल ऑफिस लेकर आई थी इनको साथ में, एंड आई वाज बिजी इनसाइड, ये बहुत रो रही थी, मैंने इसको बोला क्यों रो रही है अंदर लेकर आ, अंदर ये जब आई और ये जैसी मैं काम करते करते मैंने इसको गोद में लिया ये इमीडिएट चुप हो गई। तो इट इज़ अ बिग अटैचमेंट विथ मी कि अब ये एकदम ज़्यादा मेरे से अटैच हो गई है। तो इंसान बोलते हैं ना बाप इसको रख के, और मैं एक सबसे मोटिवेशनल चीज़ आपको बताना चाहूँगी, आप सब मर्द हैं जो भी जर्नलिस्ट सामने खड़े हैं, लेकिन मेरे पीछे सब माएँ औरतें हैं और सबको ये चीज़ पता होगी कि एक औरत जिसने अपने बच्चे को 3 दिन से दूध नहीं पिलाया होगा तो उसके सीने में कितना दूध भर गया होगा, उसके सीने में कितना दर्द हो रहा होगा, और वो बच्चा जिसने 3 दिन दूध नहीं पिया होगा उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी, मतलब ये सब कुछ क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। अगर एक पुलिस स्टेशन में लड़की भागती है कंप्लेंट देने के लिए, कोई कंप्लेंट इसकी नहीं ले रहा था, क्यों? क्योंकि इसका पति पुलिस का खबरी है। तो पुलिस का खबरी होना इतना महत्वपूर्ण है कि लड़की की कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। ये केस को डिफाइन करके बताने का रीज़न ये है कि एक पुलिस का खबरी बन जाने से वाह कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। घर वाले लोग को धमकी दे रहे हैं, अभी मेरी फैमिली को भी धमकी है इसकी के मतलब के मेरा पता नहीं बताएंगे तो उनको मारेगा ऐसा बोल रहा है। माँ जी आप क्या बोलेंगे इस बारे में, जब आप शबनम शेख के पास आए थे तो किस उम्मीद से आए थे आप? उसको आओ बैठो माँ बैठो हेलो नूर नहीं आया ना लोग की खाना वाना पता है तुम्हारा सामान भी उठाओ सब, तुम लोग दोनों माँ बेटी चले जाओ, मेरा बच्चा मेरे को दे दो, रात को रहने दो, सुबह बच्चे को मारता, मटके का पानी लेके पिलाता, मेरे को पूरा बाल ऐसे पकड़ के खींच रहा था, ऐसे लात लात से मारता। एक वीडियो है मैं आपको बताऊंगी, वो वीडियो अभी मेरा एक बंदा मेरा फोन लेके बाहर गया हुआ है, वो वीडियो मैं आपको बताऊंगी। ये बच्ची को मैं डायरेक्ट ऐसे आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उस वीडियो में इसकी बॉडी पे जो मार्क्स है ना वो मार्क्स मैं आपको वीडियो में डिफाइन करके बताऊंगी। छाती में ऐसे लात लात डाल रहा था, बाल पकड़ के ऐसे कर रहा था, मैंने देखा है माँ वो पूरा वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ दिस गर्ल। मेरे को फिर बाद में बाल पकड़ के ढकेल दिया जो हमने, तो मैं उतने दूर जाके गई, मैं बोली समीर बात बच्ची आप टेंशन मत लो माँ, मैं अभी आपको फैसला इसका पूरा करवा के दूंगी। पूरा घर का सामान सब रख लिया, तो
दोस्त जो दूर दूर रहते हैं ना, यहाँ नहीं, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वो लोग फोन कर करके पूछते हैं ये टेबल पे मारती तो लगता नहीं है क्या, हाथ है कि क्या है ये। तो तुम लोग कहीं पर भी हो हिंदुस्तान में, यहाँ आओ और बैठो और अपने दिल की बात बोलो। बोलो आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमरा से आई हूँ, ये मेरी बेटी है, इसका शौहर कुराने हाफिज़ है, और एक लड़की है सुमैया नाम की, वो पहले मदनपुरे में रहती थी और अब मुमरा आई, उसको मदनपुरे से मार कर भगाया गया क्योंकि उसका पेशा ये है अमीर लड़कों को फांसना, उनसे पूरे पैसे इकट्ठे करना और अपनी मजबूती बनाकर वो आदमी को मरता हुआ छोड़कर चले जाना, धोखा देना। अब वो चौथा पांचवा नंबर, अब छठा नंबर मेरे दामाद का है, तो मेरे दामाद के साथ भी वो यही कर रही है। कम से कम 10 लाख रुपए तक उसको खिला चुका है उसने, और अपनी औरत को 1 रुपया भी नहीं देता है खर्चा। अब मैं यहाँ मैडम के पास इसलिए आई हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। उसने 4 महीने से मेरी बेटी को मेरे घर पर भेजा हुआ है, 1 रुपया भी देता नहीं, इसका 3 साल का बच्चा है, वो उसको भी मैं ही पाल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ कि वो लड़की का ये पेशा बंद होए। अब वो जिस घर में रहती थी मुमरा में, आलिया अपार्टमेंट में, उस घर पर हम लोग गए थे तो वहाँ से मेरे दामाद ने उसको घर खाली करा कर अब MM वैली में कहीं दिलाया है, जो एड्रेस अभी मुझे पता नहीं है, वहाँ पर उसका घर संसार सब बसा कर दिया, लेकिन शादी नहीं किया अभी, उसको ऐसे ही रखा है। मेरी बेटी को बोलता मैं तेरे साथ समझौते के साथ रहूँगा, वो लड़की उसको ऐसा बोलने पे मजबूर कर रही है। तो मैं मैडम से ये चाहती हूँ कि उस लड़की को यहाँ बुलाकर मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए। वो लड़की का पेशा ही यही है कि वो अमीर लड़कों को फांसती है, और उसके साथ उसका भाई भी है, जुनेद नाम है उसका, वो भी उसके साथ रिकॉर्ड है, ऐसा सब है मदनपुरे में। एक दाऊद नाम का उसका जो पहले हस्बैंड था, वो आज मौत और ज़िंदगी के इसमें लड़ रहा है, वो गांव चला गया, उसको भी पूरा बर्बाद। बाकी बीच के गांव है सब, वो उनका मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला जो मिला है मैं आपको सच बता रही हूँ। एक औरत आई थी मेरे पास, बोलती है कि मैं भी आई, मेरे साथ अगला नंबर भी आई है। मैं क्यों, आपका नंबर कितना है? तो बोलती मैं छठी बीवी हूँ और मेरे साथ में वो सातवां नंबर भी आई है। मैंने बोला क्यों, मतलब आपके हस्बैंड में ऐसा क्या है कि तुम छठी हो और सातवां नंबर भी साथ में आई है? प्रेस रिपोर्टर। तो बोलते वो पता नहीं था मुझे, तो बोला कि मेरी पहले एक शादी हुई, मैं दूसरी वाइफ हूँ, और मैं बोली सातवां तूने क्यों किया? बोले मेरे को तो बोला मेरी एक पहली वाइफ है, तू दूसरी है। बोली काम क्या करता है? बोले मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं कुरला में रहता है कोई। तो बोले बोला काम क्या करता है? तो बोले प्रेस रिपोर्टर है। तुम लोग भी सब लोग कर लो साथ साथ। मैडम उसकी फोटो एक बार बताओ। एक बारी पड़ती है प्रेस रिपोर्टर, मतलब बोले प्रेस रिपोर्टर तो साथ साथ शादी। अच्छा, ये लड़की है जो लड़कों को ट्रैप करती है और जिसका बिजनेस है मैनिपुलेशन, जूम करके सब लोग जो है ध्यान दे, इस लड़की के जाल में ना फंसे। मैं अपने देश के भाइयों को बता दूं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दुखित दिन है, क्योंकि आज के दिन RSS वालों ने हमारे श्री महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, और आप सभी लोग जानते हैं आई लव माय बिलव्ड महात्मा गांधी जी। इसका नाम सुमैया यासीन अंसारी है, पता नहीं ये नाम बदल बदल के मिले या कैसे मिले। नाम है इसके भाई का, जुनेद इसके भाई का नाम है। मैं एक दो चीज़ें प्रेजेंट करना चाहती हूँ। फर्स्ट लेट मी टेल दैट मैं तो चाहूँगी पहले कोई भी चीज़ बोलने से पहले सभी से कि सारे लोग खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन महात्मा गांधी जी के लिए, कि RSS के मुंह पे तमाचा और महात्मा गांधी जी जो हमारे आदर्श, हमारा सम्मान और हमारा हिंदुस्तान हमें दिलाने के लिए, उनके लिए बोलते हैं ना हम कुछ भी कर दे तो कम है, जो हमारी आज़ादी है, जो हम आज आज़ाद है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा राज है वो श्री महात्मा गांधी जी ही है। RSS जैसे दल को लानत है, इनका सत्यानाश हो,
बोलते ना इनके सबके जो आरएसएस जैसे ग्रुप में काम करते हैं ना, इनका सबका आखिरी समाधान यही होगा कि इनके सबके मुंह में नया मगरमच्छ के साइज के कीड़े पड़ेंगे। ये सब तुलच तुलच के मरने वाले लोग ये पार्टी मना रहे हैं ना, इनका सबका सत्यानाश ही होगा। मैं चाहती सब लोग 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाएं और आग बंद करके महात्मा गांधी जी को 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि दें। थैंक यू। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सेलिब्रेट किया, आरएसएस वालों ने आज का दिन, शर्म आनी चाहिए उनको हिंदुस्तान में रहने के लिए। फिर ये हम कहते हैं बीइंग अ वुमेन, मेरे ख्याल से हम एक साथ में बैठी हैं सब लोग, हम औरतें ही बैठी हैं सब एक साथ में, यहाँ से जितनी पीछे बैठी पूरी औरतें बैठी हैं, सब हम लोग एक साथ में ही बोलेंगे। लाना थे उन लोगों पे जो महात्मा गांधी जी के मरने पे सेलिब्रेशन मनाए, लाना थे। मेरी बात से जो सहमत है वो हाथ उठाए प्लीज। लाना थे उन पे जो महात्मा गांधी जी के मौत पे सेलिब्रेशन मनाए। अगर मैं पूरे हिंदुस्तान से पूछूंगी तो पूरा हिंदुस्तान हाथ उठाएगा आरएसएस के खिलाफ, बेशक महात्मा गांधी जी की जय। वहीदा पटेल जी, मैं चाहती हूँ सब जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। ये शोलापुर से यहाँ आई हैं, ये पद अधिकारी हैं कि ये शोलापुर में वहां पे शबनम शेख का काम है, जो मैं करती हूँ यहाँ ये वहां जाके वही काम। मैडम को सपोर्ट नहीं है, तुमको मेरा सपोर्ट है जी, करो वैसे काम आ जाता करना चाहिए। मैडम की जैसा मैडम का हमारा को सपोर्ट है बोली, मैं ऐसी नहीं बोली, तो काम हो जाता इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। एक चीज और, एक सब्जेक्ट है जो हमारे मुंबई की ट्रैफिक को लेकर है, मैं चाहती हूँ कि इस सब्जेक्ट पे मैं ज़रूर बोलूँ। द सब्जेक्ट इज ट्रैफिक। आप सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे आए हुए यहाँ के लोग भी कि आज के तारीख में अगर कहीं पहुँचना है तो ट्रैफिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक। रीज़न क्या है? 2 रीज़न है, एक तो रोड छोटे हैं और दूसरा रीज़न मेट्रो बन रहा है। हाँ अच्छा, वैले पार्किंग वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो कि क्लब्स वाले हैं, होटल रेस्टोरेंट वाले हैं, शॉपिंग मॉल्स वाले हैं, बुटीक्स जो छोटे छोटे बुटीक्स हैं उनके भी पार्किंग वाले हैं, ओके, बार्स वाले हैं, अभी यहाँ से बाहर निकलोगे यहाँ नहीं, देर आर सम मोर बार्स। अच्छा, मेट्रो की वजह से जो ट्रैफिक एक तो बहुत ज़्यादा जाम हो गई है, फिर जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बार क्लब्स एंड होटल्स और इनके वजह से जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो कार की आप पार्किंग कर रहे हो तो प्लीज़ वो देख के करें कि जिसके वजह से ट्रैफिक जाम ना हो। अच्छा, दूसरी बात, बांद्रा और खार का जो मिड डे में आपने देखा होगा कि फोटोज़ जो अभी पब्लिश हुई है कि पहले वो कैसा था और अभी वो कैसा है, बांद्रा और खार का दोनों का फ़ोटो पब्लिश हुआ है कि वो पहले कैसा ट्रैफिक का सिचुएशन था और अभी कैसा सिचुएशन है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि पहले से अभी बहुत बेहतर है ट्रैफिक का क्लेरिफिकेशन। तो जिसका श्रेय जाता है
क्लियर एंड कट थैंकिंग टू नितिन पाटिल साहब. एक जोरदार ताली नितिन पाटिल साहब को. एक बिग एप्रिसिएशन फॉर नितिन पाटिल साहब कि उन्होंने जिस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया है बांद्रा और खार को. मैं चाहती हूँ कि पूरी मुंबई में वैसे ही हो, लेकिन क्या करें, वाले वाले मानते नहीं हैं. वो आप भी बोल सकते हैं. अच्छा ठीक है. अच्छा मैं एक और एक मुद्दे पे बोलती हूँ. मेरे को एक आज WPSI यानी कि एक पुलिस महिला आयुक्त ने कहा, जो कि WPSI थी, उन्होंने कहा कि बीइंग इन पुलिस सब इंस्पेक्टर मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि जो मोमेडियन केसेस होते हैं 498A के, वो फिर भी समझ जाते हैं कि हमें 498A केस नहीं करना है, कि हमें रहना है हमारे पति के साथ में. लेकिन अदर कास्ट जो होती है ना, वो नहीं समझ पाती है. वो लोग केस करने के लिए अटल होते हैं कि हमको वो केस करना ही है. ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उनका सोचना ये होता है कि आगे हमारे बच्चे को कौन संभालेगा और आगे हम कैसे कमाएंगे, क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं होते. ठीक है, तो वो फिर भी मान जाती है मुस्लिम कास्ट की लेडीज़, लेकिन दूसरे कास्ट की लेडीज़ नहीं मानती है, क्योंकि वो दूसरे कास्ट की लेडीज़ एटलीस्ट एजुकेटेड होती है. तो मैं वो WPSI को मैं ये आंसर नहीं दे रही हूँ, मैं एक्चुअली उनकी बात को डिफ़ाइन कर रही हूँ कि हमारी कास्ट की लेडीज़ इसलिए मान जाती है क्योंकि वो अनपढ़ और जाहिल होती हैं. हमारे कास्ट यानी मुस्लिम शेड्यूल कास्ट जो है, जो हमारा माइनॉरिटी है, वो इतनी नीचे तबके की है कि पढ़ाना बिल्कुल ज़रूरी समझती नहीं है लड़कियों को. तो वो कहाँ से ये सोचेंगी कि हम कैसे खड़े होंगी अपने पैरों पे, और कैसे हम लड़कियों का खड़े होकर बच्चों को पालेंगी और खुद घर संभालेंगी. अगर पढ़ाना चाहें तो भी, जो बोलते हैं ना, तो मुंबई सिटी में चल भी जाता है. मुंबई सिटी के बाहर अगर जाके देखें तो लड़की को पढ़ाने में बहुत बड़ा आरोप लगता है कि लड़की को पढ़ा रहे हैं. ओके, अच्छा दूसरी बात, जो काजी लोग बैठ के फैसला करते हैं, मैं इस बात पे बहुत बड़ी चुनौती दे रही हूँ. काजी लोग जो बैठ के फैसला करते हैं लड़के को ज़बरदस्ती, मतलब लड़की को ज़बरदस्ती खुला दिलवाना एक, दूसरी बात तलाक दिलवाना दूसरी बात, ये जो ज़बरदस्ती करवाते हो तुम लोग और करवाने के बाद में उनका जो हक होता उनको नहीं दिलाते हो. ऐसे केसेस मेरे पास आए ना तो मैं काजियों को उठा उठा के पटक पटक के मारने वाली हूँ. ये बात सुन के ले लो मेरी, क्योंकि इतने मैटर्स आ गए मेरे पास में, इतने मैटर्स. अच्छा, अलग अलग जगह की. और दूसरा अनाउंसमेंट मैं कर दूँ मेरा, कि मेरा ऑफिस सिर्फ संडे बंद रहता था ना, अभी मैं वीक डेज में भी एक ऑफ रखूँगी. वो ऑफ इसलिए रहेगा ताकि मैं सारे केसेस का करस्पॉन्डेंस करूँ, मैं विजिट करूँ, ताकि मुझे कमिश्नर से मिलना हो या किसी भी ऑफिसर से मिलना हो या किसी केस का इंट्रोगेशन करना हो या केस का इन्वेस्टिगेशन करना हो या किसी की धुलाई करना हो. तो वो एक दिन हफ्ते के बीच की छुट्टी मैं वो निर्धारित कर दूंगी कि हाँ, वो वेनेसडे होगा या थर्सडे होगा, दोनों में से एक दिन होगा वो मेरा हॉलीडे होगा. नहीं, जुम्मा बिल्कुल नहीं, चप्पल से मारूंगी. वो थर्सडे या वेनेसडे होगा, दोनों में से एक दिन होगा जो मेरा इन्वेस्टिगेशन का डे होगा. वो एक दिन में फाइनल कर दूंगी, वो मेरा छुट्टी का दिन होगा, विच इज़ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेशन प्लस धुलाई डे. वेरी क्लियर एंड कन्फर्म. अभी कोई और है जो आगे आके बात करना चाहता है ना? औरत लेके आके मेरे घर में घुस गया. जोर से बोलो अम्मा. मेरे घर में मेरे लड़के ने अपनी औरत को लाके, तीन बच्चे लेके, मुमरा में रहती थी, मुमरा से लाके यहाँ रखा है. अब मेरे को मार पीट के भगा दी. यहाँ कहाँ खाला? एक साल एक महीना हो गया. यहाँ कहाँ का खाला? यहाँ कहाँ जगह? नागपाड़ा. शुक्ला जी स्ट्रीट से आ रही. उम्रा से यहाँ आके गुस्सा, तो मेरे को चाकू लेके मारने को दौड़ता. बच्चे लोग भी उसके, छोकरी भी वैसे ही है, छोकरी भी डेरिंग बाज है. और माँ तो बाहर गांव जाती है, बाहर गांव से आती है, तो फिर वो बाद में वो भी डिंग डांग करने लग गई है. रखो उसका पास यार, मेरे को बिल्कुल घर में घुसने नहीं दे. और मारे खाना मेरी लड़की लोग ने इसमें 12 पद में खाना लाए थे. 5 लड़की है मेरे को, 5 लड़कियों ने खाना लेके आए थे. बोले अम्मा को ईद के दिन खाना खाएंगी, तो झट
कोप सासर बर्तन चम्मच सब फेंकने लगी, सालन बिलन सब गिरा दिया, सब मेरे कपड़े से उठा के सब बर्तन भी फेंक दी मेरे। अब मेरी छोकरी लोग मेरे को लेके चले गए, तो उस दिन से आज तक मैं नागपाड़े पे नहीं गई। नागपाड़ा मध्य अभी कहाँ रह रहे? अभी मेरी लड़की लोग ने लेके गए तो मेरी लड़की लोग के पास में। रूम किसके नाम पे था? रूम किसके नाम पे? मेरे आदमी के नाम। अच्छा, रूम आपके आदमी के नाम पे? आदमी के नाम। खाला बैठो, खाला आराम से। आपके घर पर मैं लेके जाके छोड़ के आऊंगी आपको, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हाँ, आपके नाम पे है ना, मैं छोड़ के आती घर पे। वो पेल्डर को बोली भी पैसा ले ले मेरे नाम पे कर दे या ऐसे बंद कर। अरे टेंशन मत लो खाला, इतने सारे मीडिया के सामने बोल रहे हो, तुम्हारे घर पे मैं बिंदास छोड़ के आऊंगी। हाँ मैं हूँ ना, काहे को टेंशन ले रहे, बैठो। हाँ बेटे, उल्लू कुत्ते का गाने चाहिए आवाज। मेरा नाम शकीला सैयद है, मेरे शोहर का नाम जावेद सैयद है। मेरे ससुराल वाले ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिए हैं, मुझे घर से निकाल दिए। मेरे शोहर ने मेरा दहेज वगैरह सब कुछ भेज दिए और ऊपर से मेरे को कोर्ट में ले जा के मेरे सिग्नेचर करवाए कि मैंने अपनी मर्जी से बेची। और महिला मंडल भी हुआ है, महिला मंडल से ले जा के मुझे 8 दिन अच्छे से रखे, उस पर मुझे इतना मारे बहुत मारे, जो मेरा मिसकैरेज हो गया मार मार के। फिर बाद में मेरे थ्रू में दागिने का सब कुछ, मतलब सब कुछ लिखा के करके मेरी बच्ची को जोर देके कि मैं तेरी बच्ची को मारूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, पूरे घर ननन ससरे देवर सास मेरे शौहर सब लोग ने मेरे साथ बहुत गलत किए। मेरे हर चीज़ मतलब मेरे खिलाफ़ कर दिए लोग ने कि तू कहीं पे भी जाएगी तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तू कहीं पे भी चले जा, मेरे पास पैसा है, मैं पैसा फेंकूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे इतना मजबूर कर दिए, ना मुझे खर्चा देते ना कुछ नहीं। 2.5 साल से मुझे मेरे पापा के पास छोड़ दिए है, आज लेके जाऊंगा कल लेके जाऊंगा, लेकिन नहीं जाने का कोई वो नहीं है। कहाँ काम करते, किधर रहते, कभी दिल्ली कभी ओसुल कभी मैसूर, माँ बाप के पास ही रहते यहाँ पर आते तो। और माँ बाप के पास आते सिर्फ हमारे पास 1 घंटे के लिए आते या 1 दिन के लिए आते, उसमें सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए ही मेरे पास आते और चले जाते। व्हाट्सएप पे गंदे गंदे मैसेज वगैरह भेजते। हाँ, और अभी मैं मुझे एक महीने इसके हस्बैंड ने इसको तलाक का नोटिस भेजा है, और नोटिस भेजने के 1 दिन पहले इसके साथ सो के गया है, एंड शी इज प्रेग्नेंट नाउ। जोर से बोलो तुम्हारे हस्बैंड का नाम। जावेद सैयद। फोटो दिखाओ हस्बैंड का। किधर रहता है? पता नहीं, जोगेश्वरी में घर खाली कर दिया, मुझे पता नहीं कहाँ मिलने तो किधर आता अभी नाला सुपारा में मुझे कब मिलने के लिए आते मेरे पापा के पास। फोटो दिखाई, सास छोड़ दिए मुझे, मेरी बच्ची है ना, मेरी बच्ची को केयर करते ना पूछते कुछ नहीं, और सब मेरे खिलाफ सबूत बना के रख दिए हैं कि तू कहीं पे भी चले जा, मैं तेरे को कहीं पे भी कुछ भी करने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, खाली फोटो दिखा, टेंशन मत ले। मैं बोलती हूँ उनको मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो बोलते नहीं मेरे को तेरे छोड़ देने का, नहीं तो बेटी को मेरे को दे दे। और अभी जो प्रेगनेंट है वो बोलते मैंने वीडियो उनकी रखी हूँ सब रिकॉर्ड, बोलते तू चूतिया बनाने के धंधे मेरे सामने नहीं करना, बोले किसी को भी बता देना लेकिन मेरे सामने छुटिया बनाने की धंधा नहीं करना। और फिर फोन पे बोलते फोटो निकल, फोटो निकल। ये मेरे हस्बैंड, मेरी हालत इतनी खराब कर दी है। भाई लो, इसको इसको जरा देख लो, ये कितना महारथी आदमी होगा, सेल्फी ले रहा है बेचारा। तेरे तो मैं सेल्फी स्टिक भी तोड़ दूंगी रे, तेरे को तो बहुत लाफे मारने वाली हूँ मैं। काजी के जरिए जिसने निकाह किया ना उसके उसको पैसे खिला के ये नोटिस भेजे, लेकिन हम लोग ने लिए नहीं नोटिस, निकाहनामा भी नहीं दिया हम लोग, दहेज वगैरह सब कुछ बिका दिए, दागिना भी नहीं दिए कुछ भी नहीं। और मेरी सास को कैंसर है। हाँ, और कहाँ रहते किधर रहते अभी तक एड्रेस पता नहीं। जोगेश्वरी में बोले घर बिक गए टूट गए, जोगेश्वरी में बिल्डिंग बनने वाली है, तो लोग कहाँ रह रहे किधर रह रहे, सिर्फ खाली इतना मालूम है कि मीरा रोड में रह रहे, और ये तो कुछ बताते नहीं कि कहाँ काम करते किधर करते कहाँ रहते किधर जाते कुछ भी नहीं, सब बातें मेरे से सब छुपाते। क्या काम करता?
क्या काम करते हैं? ये मशीनों के काम करते हैं, ये गाड़ी वगैरह जो मेन पार्ट्स आते हैं ना उसके काम करते हैं। बहुत अच्छा मोबाइल नंबर है उसका? हाँ, मोबाइल नंबर भी, और उनके यूट्यूब पे सब अपना डाले हैं मशीनों का जो काम करते हैं। ढूंढ लेंगे हम लोग, कार्ड भी है इनसाइड कंपनी। ढूंढ लेंगे, ढूंढ लेंगे। मेरी थोड़ी आदत खराब है लोगों को ढूंढ के निकालने की, मैं ढूंढ लूंगी। बहुत परेशान करके रखती है। पापा के पास कब तक रहूंगी? मेरा कोई आगे पीछे भी नहीं है। मम्मी का भी इंतकाल हो गया, अब पापा बुढ़े हैं, उनको कुछ कमाने के लिए चुप हो जा। कमाओगे मैं किसके भरोसे? मेरी बच्ची किसके भरोसे रहेगी? इंसान को खाने की औरत इसके लिए है क्या? यूज कर और फेंक दो। हाँ, औरत इसके लिए शादी करा के कोई लेके जाता है क्या जिंदगी छुड़ाने के लिए? मेरी बच्ची के पास बच्ची का भी नहीं सोचते। मेरे ससुराल वाले इतने बेकार हो गए, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना मेरा दागीना, ना मेरा दहेज, पूरा प्रूफ अपने। लेकिन मैं कहाँ पे भी जाऊँ तेरा नहीं सुनेगा, मैं पैसा फेंकूंगा ना। मेरे सास ससुर लोग बोलते तेरी जिंदगी हम लोग इतनी बदतर बना देंगे, तेरे को पूरा बर्बाद करके छोड़ देंगे। आज वही पूरा मेरे को बर्बाद कर दिए। मैं माशाल्लाह इतनी अच्छी थी, टेंथ तक पढ़ी हूँ मैं, बहुत अच्छी थी। लेकिन आज मेरी हालत देखो कैसी है, मैं पैसे पैसे को मोहताज हूँ। आज मेरे आदमी ने मेरी जिंदगी इतनी झंड बना दिया है। ओए चुप हो जा, चुप हो जा। मैं बहुत ढाई साल से परेशान हूँ, बहुत परेशान। चुप हो जा, चुप हो जा। तू मेरे पास आई है ना, अब तेरे रोने के दिन खत्म हुए। चुप हो जा, तेरे रोने के दिन बेटा खत्म हुए हैं, अब उसके चालू होंगे। चुप चुप चुप। बहुत बहुत चाहती हूँ दिमाग से काम कर रहा है आपा। चुप 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 चुप। मैं आपा के पास कब तक रहूँगी? आज मेरा बाप है जो पीछे से मार लेगा, मैंने इसकी वजह से किस सुधर जाएगा? चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जाएगा। करके बोलता घर का भाड़ा भी तू ही भर। अरे बूबू चुप हो जाओ यार, हमारी टीम की प्रॉब्लम ही यही है, एक कोई किसी को रोता हुआ देखते तो बाकी सारे रोना चालू कर देते। बोलता कभी भी मैं ना तेरे बच्चे छीन के लेके चले जाऊंगा। हाँ बोलना, तू छीन के लेके जा, हमारे पास टीम ऐसी, हम वापस छीन के लेके आते। आप पुलिस स्टेशन नहीं गए? पुलिस स्टेशन में गई थी, लेकिन वहाँ से मुझे प्यार मोहब्बत से लेके आ जाता है। पुलिस स्टेशन में आप जाते प्यार मोहब्बत से लेके आ जाता है मुझे? तेरे को भी प्यार करने पुलिस स्टेशन ही मिलता गया? तेरे को भी प्यार करने पुलिस स्टेशन ही मिलता गया? पुलिस स्टेशन में प्यार मोहब्बत से लेके आता तू आ जाती है? मेरे पूरे घर वालों को भी तोड़ दिया। मेरी फूफी ने मेरी शादी करवा के दी है, मेरे को पूरे घर वालों से मेरा रिश्ता तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। मेरे को घर वाले से भी मेरा पूरा हर चीज से मुझे तोड़ दिया। चल चुप हो जा, अब मुझे छोड़ने के इसमें है। चुप हो जा, चुप। जो जनता दरबार अब करती है उससे थ्रेट कितने आते हैं आपको? क्योंकि लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी आपने बोला कि बहुत सारी थ्रेट आती है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि फॉल्स केस आपके पास आते होंगे, तो उसका पता कैसे लगाती है? हम हर केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब कोई भी केस हमारे पास आता है ना, तो ऐसा नहीं कि वो आया और बोला, उसने कुछ बोला और हमने सुना और हमने बिलीव कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास कोई आता है तो उसको पहले रिटर्न कंप्लेंट देने होती है, ठीक है? रिटर्न कंप्लेंट की बेस पे हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम उसके ऊपर पेपर वर्क करते हैं। अगर हमने पेपर वर्क नहीं किया, जैसे कि हम अभी आप एज अ कंप्लेनर आए हमारे पास, आपने बताया कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, फॉर एन एग्जांपल आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, तो हम हायर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में कंप्लेन करके बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट हैपन विथ यू, ठीक है? हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करके ये बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट हैपन विथ यू एंड दिस हायर अथॉरिटी शुड टेक अ प्रॉपर एंड अप्रोप्राइट एक्शन अगेंस्ट दिस पर्सन हु हैज़ डन फ्रॉड विथ यू। यू गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज़ अ वे ऑफ एक्शन व्हाट वी टेक, ओके? हाँ, अगर केस के इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर भी मुझे ये लगा कि तुम झूठे हो, तो तबीयत की फटके खाओ, ये तो लिख के ले लो, समझे बात को? तो हम लोग कहीं पर भी चीटेड नहीं होते हैं। अगर चीटेड होते हैं तो मैं केस इमीडिएट छोड़ देती हूँ, क्योंकि देखो एक दो तरीके होते हैं काम करने के, एक तो इंसान दिमाग से काम करता है, एक तो दिल से काम करता है। तो मैं दिल से भी काम करती हूँ और दिमाग से भी करती हूँ। दिल से कैसे हो जाता है? पूरा 99% चैरिटी में हो जाता है, ठीक है? 1% जो है कमर्शियल होता है,
1% बोलते हैं ना, 0.1% होता है, मेरा तो 0.1% होता है, 1% भी नहीं होता भाई लोग, सीधा सीधा सुन लो मेरी बात, 0.1% होता है, तो 0.1% में दाल रोटी चल जाती है, बाकी 99.9% जो है ये सारे पूरे पब्लिक आते हैं मेरे पास, बाल्टी भर भर के रोते हैं और पूरा सोशल वर्क करवा के लेके जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है यार, क्या बोलूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑल मेरे 12 ब्रांचेस ऑलरेडी पैन इंडिया में खुल चुके हैं और इंशाल्लाह देर आर मोर 24 ब्रांचेस आर कमिंग अप। तो हम अब कहने में रहा नहीं, आई डोंट बिलीव ऑन टॉकिंग्स, मैं करके दिखाने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी जी का बर्थडे जो है 2nd of October है और मेरा 1st of October है। तो मैं एक चीज़ बचपन से ऐसे, पता नहीं जब मैं 3-4 साल की थी तो मैं तब से बोलती थी, बिकॉज माई बर्थडे इज़ 1st October एंड ही इज़ 2nd October, तो मैं बचपन से बोलती थी महात्मा गांधी मुझे छोड़ के गए देश संभालने के लिए। मैं छोटी थी, 3 साल की थी, मैं तब से बोलती थी महात्मा गांधी मुझे छोड़ के गए देश संभालने के लिए। लेकिन ये बचपन की बात है, मुझे तब समझ में नहीं आई, मुझे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे समझ में आई कि तब बोलती थी मैं, अब समझ में आई वो बातें। वो मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने मुझे बताया बेटा कि अब समझ ये बातें, अब तुझे संभालना है ये, कि जो मैं बचपन में बोलती थी कि महात्मा गांधी जी ने मुझे देश संभालने के लिए छोड़ के गए तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम में, तो ये जोरदार तालियों के साथ हमारे मोदी जी को थैंक यू कि मुझे याद दिलाने के लिए कि देश संभालने का टाइम आ गया है। एनीथिंग एल्स बेटा? दी 24 ब्रांच आर मोर कमिंग अप, डेट डिक्लेयर नहीं, डेट एक तारीख के बाद। नाउ वी आर कमिंग अप वन मोर ब्रांच ऑफ अस विच इज़ वेरी क्लोज, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो मुमरा के आते हैं, तो मैं मुमरा में अभी 1st of February मे बी और या फिर डिले एक आध दिन का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इनको पता नहीं क्या करना है। हमारे बेगम मैडम जो नेशनल सेक्रेटरी है हेल्थ केयर फाउंडेशन की, इनका वजन देख के आप समझ गए होंगे कितनी भारी ब्रांच खोल रहे होंगे, तो ये पता नहीं क्या करना चाहती हैं उसमें, तो इन्होंने मुमरा के जो ब्रांच का पूरा भार जो है उन्होंने खुद उठा लिया। एक तो ये खुद इतनी भारी, ऊपर से भार भी उठा लिया है। तो मुमरा का ब्रांच जो है नूरजा बेगम संभालने वाली है, नूरजा पारवे बेगम संभालने वाली है। मैडम का नाम वैसे नूरजा पारवे है, बेगम तो हमने इनको लखब दिया है। वो कहते ना हर सल्तनत का एक बादशाह होता है, तो हिंदुस्तान के बादशाह हम रहे तो ये है हमारी बेगम। और इंशाल्लाह ताला मुमरा की ब्रांच के बाद हम दूसरे ब्रांचेस की ओपनिंग भी आपके सामने रखेंगे। उदयपुर से एक ऑफर आया है, उदयपुर से आया है, जितने ब्रांचेस किए हैं ना वो बाद में लिस्ट देंगे, मैसूर, आगरा, उदयपुर, राजस्थान, वो सब लिस्ट हम बाद में देते जाएंगे। इसके लिए वापस से कॉन्फ्रेंस होगी तो वी विल गिव देम दी अदर थिंग्स। मुझे बैठना है अंदर, पब्लिक की सुनना है, तो भाई लोग इनके इंटरव्यूज लो, जो लोग कहना चाहते हैं, जो लोग अपने दर्द को पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं, ये जनता का दरबार है, यहाँ जनता बोलेगी और जनता को पूरा हक है बोलने का। अगर कोई माइका लाल बोलता है कि इसने जाके किसी एनजीओ में हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला और हमारी फैमिली के बारे में एक्सपोज किया, और कोई जज बोलता है कि हाँ जाओ केस ठोक दो, तो मैं भी एक काम करूँगी, मैं भी एक रिट पिटीशन फाइल करूँगी और उस जज के खिलाफ खुद जाके रिट पिटीशन फाइल करूँगी कि उस जज ने मेरे एनजीओ पे केस करने के लिए कैसे बोला। मेरा रजिस्टर एनजीओ है और मेरे पास पूरे राइट्स है कि पब्लिक की तकलीफ के ऊपर लड़ने का, तो वो जज कैसे बोल सकता है मेरे खिलाफ, मेरे एनजीओ के खिलाफ केस फाइल करने के लिए। मैं उस जज के खिलाफ केस फाइल करूँगी जो मेरे एनजीओ के खिलाफ केस फाइल करने का ऑर्डर पास करेगा। मेरी बात को ये लिख के रखना। जय हिंद दोस्तों।